नमस्कार दोस्तों, मैं द्रौपदी नंदा, मम्मी सब कर सकती है, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं डिब्बों की अनबॉक्सिंग कर चुकी हूँ और किचन के लिए किस प्रकार की डिब्बी लेना चाहिए मैं दिखा रही हूँ। हमेशा हम गोल गोल डिब्बी लेते थे, जो चूड़ी वाले थे, तो हमारे पास क्या हुआ कि चूड़ी वाले डिब्बे लिए हैं तो उनकी चूड़ी खराब हो जाती तो डिब्बे भी खराब हो जाते हैं। तो ये वाले डिब्बे में क्या है, हमको घुमाना नहीं पड़ता और इस तरह से खोल कर और चीज़ें हम रख पाएंगे, तो इनमें सामान भी सेफ रहेंगे और ये डिब्बे में भी मजबूती है तो काफ़ी टाइम तक ये डिब्बे चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, इनमें सामान रखने में सामान भी खराब नहीं होगा और टाइम तक सामान भी चलेंगे। और इसमें एक खासियत ये है कि ये डिब्बा जो है ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट से जो भी चीज़ें हम रखेंगे इसमें तो ये सामने से दिखेगा। अगर हमको डिब्बे को लॉन्ग टाइम तक रखना है और ख़राब ना हो, वाइट कलर की जो पॉलीथीन रहती है तो उसमें हम सामान रख कर रखेंगे तो ये इसकी लाइफ टाइम और ज़्यादा लंबी हो जाएगी और टाइम तक ये डिब्बा चलेगा। तो दोस्तों देखिए, मैं इनमें जब मैं सामान रख लूँगी तो मैं सामान भी दिखाती हूँ। पास मुरमुरे रखे हैं तो मैं मुरमुरे रखकर इसमें दिखा दी। मैं मुरमुरे इसमें रख ली हूँ और इसमें ट्रांसपेरेंट दिख भी रहा कि इसमें हमारा क्या रखा हुआ है। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंट डिब्बे बहुत अच्छे रहते हैं घर के सामानों को स्टोर करने के लिए। इस प्रकार से ऐसा पैक कर लेते हैं तो यहाँ से पूरा एयर टाइट हो जाता है। तो देखा दोस्तों कि इन डिब्बों में कितना फायदा रहता है। अगर हम इनकी जगह गोल डिब्बे रखते तो ये यहाँ तक जगह ले लेती और ये डिब्बे लाइन से एक दूसरे के ऊपर डिब्बे आ भी गए और सामान भी इनमें बाहर से ट्रांसपेरेंट दिख रहा है और हम सामने इतनी स्पेस बची है कि यहाँ पर भी हम एक लाइन डिब्बों की रख सकते हैं, तो अपने किचन के लिए बेस्ट है। तो इस प्रकार से हम अपने घर के किचन को सजा कर रख सकते हैं और सामानों को भी सेव कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। तो जिस तरह से मैंने ये बड़े डिब्बों के बारे में बताई हूँ, उसी प्रकार से ये छोटे वाले डिब्बे मेरे को सेट मिले थे, मैं ऑनलाइन बुलवाई थी इनको, और मैं अपने ये वाले डिब्बे जो है ऑनलाइन नहीं बुलवाई हूँ, ये मैं मार्केट से खरीदी हूँ। तो ये डिब्बों की खासियत क्या है मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं इसमें मेथी की भाजी रखी हूँ सूखी हुई। ये देखिए, ये इस साल की भाजी नहीं है, ये पिछले साल की भाजी है। ये देखिए पिछले साल की भाजी, और कितनी सूखी है, ये ख़राब नहीं होती। तो ये वाले डिब्बे की सर्विस बहुत अच्छी है, मेरे को ना बहुत अच्छी लगी है इसकी डिब्बे की पैकिंग। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम एक से डिब्बे एक कलर के लेके अपने किचन को, किचन में सामानों को स्टोर करके और अपने किचन को सजा सकते हैं। तो देखा दोस्तों, डिब्बों में इस तरह से सामानों को स्टोर करके रखते हैं तो सालों साल चलते हैं। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा और छोटी सी बेल आइकन रहती है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो इस तरह की वीडियो मैं और आगे डालूंगी और मेरे यूजफुल वीडियो रहते हैं और सामान भी हमारे सेफ रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।